हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ठंड पड़ चुकी है। और ये देखिए आराध्या को भी कोल्ड हो गया है, मुझे भी कोल्ड हो गया है, आरब को भी कोल्ड हो गया है। हम तीनों को ही कोल्ड हो रहा है। मुझे तो खैर कल रात से ही हो रहा है और आराध्या को भी 2 दिन से हो रहा है। तो बस बच्चों का तो ये है कि बच्चे को कितना भी ढक ढुक के रख लो, बच्चों को ठंड लगी जाती है। मौसम भी ठंडा हो रहा है, 3-4 1 हफ्ते के करीब हो गया, धूप नहीं आ रही बिल्कुल भी, और फॉग इतना पड़ जाता है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं जस्ट मार्केट से ही आ रही हूँ, थोड़ा बच्चों के लिए सामान लेने गई थी, जैसे कि सॉक्स वगैरह, कैप लाई हूँ, इनर, हाई नेक, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा पड़ गया है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे जितना आता हर चीज़ की कमी कम है बच्चों के लिए। तो जस्ट अभी आई हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, गई तो थी पर लाना भी ज़रूरी था, तो बस अभी लेकर ही आई हूँ। जैसे आरब के लिए लोअर लेकर आई हूँ, लोअर ख़त्म हो रहे थे, उस लोअर थे तो उसके पास, लेकिन जिस अकॉर्डिंग अब ठंडा हो रहा है, थोड़े मोटे मोटे लेकर आई हूँ पहनाने के लिए। आराध्या के लिए हाई नेक्स, और दोनों बच्चों के लिए सॉक्स लेकर आई, और दोनों बच्चों के लिए कैप लेकर आई, अपने लिए कैप लेकर आई। तो बस चले गए थे, 1 बजे चले गए थे, आ गए हम लोग, जल्दी आ गए क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है उसके बाद बहुत ठंडा होने लग जाता है, उससे हम जल्दी आ गए। और सब्जी सुब्जी तो हम कल ले ही आए थे, सारी सब्जियां लेकर आए हुए हैं। गाजर का हम हलवा बनाने वाले हैं, इसलिए हम गाजर अच्छी लेकर आए हैं। मूली का हम अचार बनाएंगे, इसलिए हम मूली लेकर आए हैं। और ये देखिए अदरक, अमरूद, पत्ता गोभी, और ये देखो टमाटर, गोभी, क्योंकि आजकल सर्दियों में सब्जियों की तो क्वांटिटी की कोई कमी होती नहीं है, आप जितना चाहो उतनी सब्जी ला सकते हो। तो क्या खा रहे हो आप? बिस्किट। कितने बिस्किट खाते हो सुबह से लेके शाम तक? कोई गिनती नहीं है। पापा ने डांटा? क्यों डांटा बोलो? कहना नहीं मानते ना आप, इसलिए अभी आपने फिर से जूते नहीं पहने, देखो ठंडा हो रहा है ना, तो ऐसे ही निकल रहे। यार अब तो ट्यूशन चला ही गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए शॉपिंग हमने यहाँ पे की हुई है, थोड़े हम साग वगैरह भी लेकर आए हैं, हमने अंगीठी जला रखी है, अभी हम अंगीठी का मज़ा ले रहे हैं। और ये हमने कुछ सामान खरीदा है इस तरीके का, मैं लोअर लाई हूँ आरब के लिए, मोटे मोटे देख सकते हैं। तो ये देखो मैंने आरब के लिए लोअर लिए, काफी अच्छा स्टफ है इसका, ये देखिए बहुत गर्म है ये, और ये मुझे पड़े 400 के 2, मतलब कि 500 के 2 कह रहा था, मैं 400 में लाई हूँ, 2 कलर लाई हूँ, दोनों कलर अच्छे लग रहे थे, तो दोनों कलर ले आई इसके उसके लिए, वो ट्यूशन जाता है तो उसके लिए भी चाहिए होते हैं। और देखिए मैं इस तरीके के हाई नेक लेकर आई हूँ आराध्या के लिए, मैंने आरब के लिए ऑलरेडी 4 हाई नेक लिए हुए थे, आराध्या के लिए मैं आज लेकर आई हूँ इस तरीके के। देखिए देखिए बहुत सारी कैप आ रही है इस समय मार्केट में, ये देखिए मैं आराध्या के लिए लेकर आई हूँ, ये वाली कैप लेकर आई हूँ, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटो से, बच्चों के फोटो से बहुत सुंदर सुंदर कैप आ रही है। ये देखिए मैं इस तरीके से, मैंने आरब के लिए इस तरीके के जिग जैक वाले डिजाइन में कैप ली है, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने कैप उसके लिए भी ले ली। और क्या लाई? और मैं ये लाई हूँ बच्चों के लिए सॉक्स, देखिए इस तरीके के मोटे मोटे गरम गरम, इधर उधर जाने वाले, घर के लिए तो बहुत सारे हैं पर मैं वैसे लाई हूँ इधर उधर जाने वाले सॉक्स, बच्चे तो बार बार गीला करते रहते हैं, उनको तो कई बार चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं, कुछ वैसे कॉस्मेटिक का सामान लेकर आए हैं, कॉस्मेटिक मतलब तो बच्चों के लिए क्रीम वगैरह और पाउडर और ये सब लेकर आए हैं। तो आज तो इतनी ही शॉपिंग करी है बस, और ये हमारी अंगीठी जल रही है, और ये हमारी चाय बन गई है, तो चाय आज आरब के डैडी ने बनाई है। तो ये सारी शॉपिंग हमने करी हुई है, और
अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ऐसे ऐसे हम और चीज़ें भी देखेंगे मार्केट में, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती है ऐसे ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं। तो सब लोग चाय पी रहे हैं, ये देखिए सब लोग चाय पी रहे हैं, आराध्या भी चाय पी रही है। आराध्या चाय, और आराध्या क्या खा रही हो? कितने बार खाओगी बिस्किट? थोड़ा सा हम पीते हैं चाय। ये देखिए चाय, तो हम चाय पीते हैं और अंगीठी के सामने बैठ के, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, बिना अंगीठी के तो काम नहीं चलेगा इस समय। हीटर हम लोग लगाते नहीं है क्योंकि हीटर से हमें घुटन होती है बिल्कुल। बच्चे भी हमारे मतलब हीटर का वो सामने रहते नहीं है बिल्कुल भी, तो हम अंगीठी ही जलाते हैं। अंगीठी जलाने से थोड़ा कमरा रूम भी हमारा गर्म हो जाता है। तो ये देखिए, और ये हमारी टीवी भी चल रही है इस समय। तो फिर मिलते हैं दोबारा दूसरे ब्लॉक में, तब तक ले एंड करते हैं ब्लॉग का। पीते हैं हम लोग चाय, आप लोग भी चाय पीजिए और इंजॉय कीजिए ठंड को। ओके बाय।